बहुत लंबे समय तो कांग्रेस के बड़े वे समर्थक रहे। बेशक कोई लीडर जिस पार्टी का जितना मर्जी अपने अलायंस रखता रहा, पर सेठ साहब ने कभी भी कांग्रेस के पिछु पैर नहीं चुके। उन्होंने अज पिछे छेते बिठाने लिया है बाजवा साहब के हुक्म में कि एक सच्चे सुचे कांग्रेस का जो मान सत्कार बनता चन्नी साहब से साड़ी सारे की कोशिश है कि हर कांग्रेसी जिते जिते जरा हक बनता वो दिता जाए और कांग्रेसी वर्कर के विश्वास पैदा किया जाए कि जी सरकार है ये वर्कर लई है ना कि वर्कर सरकार ले। असी लोगों के मैसेज देना चाहते हैं कि एक सरकार लोगों लई है, लोगों द्वारा बनाई गई है। ये मंत्री जेड़े अपनी पार्टी के प्रति वफादार ने और अपनी पार्टी की बेहतरी भी असी सारे काम करांगे। ये साडा मेन जिहड़ा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का मुख्यमंत्री साहब का जिहड़ा संदेश है कि आपां तुसीं देखिया होणा कि सैक्टरीएट दे विच वी हर मिनिस्टर बैठा हुंदा और मेरा ख्याल है कि इन्हें साढ़े चार साल से लोग नहीं आए जिन्हें साढ़े को दस पंद्रह दिनों के उत्तर लोग और सब तो वही गल मैं तो बाजवा साहब रस्ते भी करते होंगे सी कि वर्कर के इन्ना ज़्यादा उत्साह कि उन्होंने दिमाग की पूरे कि कांग्रेस पार्टी में दोबारा लैके इन पार्टियां कोई इधर उधर दल कर साडा काम यह कि जेडे गल् असी की अपने वादे किए हैं उन्होंने ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੰਗੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ